हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्यन आरजे। तो कैसे आप लोग, मैं अच्छा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी होंगे। अभी हम लोग इसको कोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग कुछ रोपने वाले हैं। रसून धनिया प्याज, रसून धनिया पालन के साग। अच्छा यह सब लगाएगी। हाँ, और मम्मी घास काट रही है। हाँ। गाय भी आया घर में उसके लिए। तो ये कुदार तुमसे नहीं चलेगा, चले आप बताते हम बता वहाँ से लेके इतना हम की। अरे बाप रे, एक की है तुम की हो ना। हाँ तो छोड़ो, ये खत्म तो जाने ना है। ठीक है, भिंडी को सब कट गया था, उठाए हैं डमर गया था भिंडी क्या लगा, ये रस पड़ गई इसे उठाए। और आज पापा भी आने वाले हैं इनके, तो उनको भी लाने के लिए जाना पड़ेगा स्टेशन। खुश हो ना कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं बिहार। इनका पापा प्रसाद पहुंचाने आ रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं। हाँ आज ही आएंगे, जन शताब्दी से आ रहे हैं तो हमको पिक करने जाना पड़ेगा। हाँ कल ही चल जाएंगे। कल क्यों चल जाएंगे? कल क्यों चल जाएंगे? क्योंकि बाप रे, कैसा बात हुआ भाई, आ जाएंगे कल चल जाएंगे। तो ट्रेन ऐसा है 6-8 बजे ट्रेन में बैठेंगे, 2 बजे वहाँ कोलकाता में। तो गाइस अभी इनके पापा को पिक करने जाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग। तो ये काम तुम पहली बार कर रही हो कि दूसरी बार की, तीसरी बार की याद ही नहीं है? पहला बार कर रहा हूँ। के लिए है ना, तो अच्छे से करो। अरे बाप रे, कैसे ले नीचे से ये भैया। फ्रेंड्स, अब हम अनस्टेबल और एक आसान समय में रहते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में हमें एक विशेष रूप से एक स्टेबल इनकम के लिए एक अच्छा सोर्स की जरूरत है, खासकर जो हम कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे बंद न रहे, जो मिलियन लोगों की मदद कर चुका है अभी तक। द मोस्ट ट्रस्टेड स्पोर्ट बुक 1x बेट, ये बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है फॉर बिग बिनिंग इंस्टेंट पेट्रोल एंड रिस्क फ्री बेट। इस दिसंबर में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे क्रिकेट मैच होंगे, T20, टेस्ट, ODI। 1x बेट में आप लाइव मैच का रिजल्ट देख पाओगे एंड स्कोर को प्रेडिक्ट करके आप बेट भी खेल सकते हैं। और अगर रजिस्टर करते टाइम मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं RJ7, 43,000 INR प्रॉफिट कर सकते हैं। लिंक और प्रोमो कोड मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया हूं, तो जाइए वहां से आप रजिस्ट्रेशन करिए। तो गाइस मैं आ चुका हूं झाझा, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि चांदनी के पापा आ रहे हैं, उनको लेके जाएंगे घर। अभी फोन किए थे कि वो आ रहे हैं, तो मैं स्टेशन आ गया हूं झाझा स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत दिखता है बाहर से, आ रहा है जन शताब्दी से। 7:30 बजे का टाइम था तो मैं उसे पहले ही आ चुका हूँ, तो चलिए जब वो आ जाते तो उनसे मिलवाते हैं आप लोगों से। अरे गाइस, अभी पापा पहुंचे हैं, उसके बाद हम आज चिकन बना रहे हैं। हम नहीं, हमको चिकन बनाने नहीं आता है, फिर भी यहाँ टमाटर कटा रहा, अभी बस इतने हुआ है। और इसमें देखे चिकन, और अभी मतलब बन चुका है, चावल बन चुका है, चिकन का दुकान ही खुलता है देरी से। पापा की खुशी में आज ये चिकन बना रही है ना। पापा आए इनका बहुत दिनों बाद। छठ पूजा हुआ ना, तो बेटे के यहाँ मतलब शादी होते हैं, मतलब पसादी जाया जाता है। हमारे नाना भी आते थे पहले पहुँचाने, ऐसे क्योंकि पसादी आया जाता है। तो हमको, हम आज सुबह बात के ना पकाते हैं, हमको जाके कल आने वाले हैं, तो उसके बाद हमको पता चला आने वाले हैं, हम बोले आ जाएंगे, हम लोग तो तुम चिकन बनाओ, तब तक फिर मिलते हैं। और इसका पापा आने की खुशी में चिकन बना रही लड़की, देख रहे हो? अरे हाँ, क्या बात है।
जैसे कि आपको बताया था कि पापा कल रात को आए थे और मेरे पापा पहले ही बोल दिए कि हम आएंगे फिर चले जाएंगे। तो मम्मी को भी बोले कि मम्मी एक दिन रुक जाएंगे तो ठीक रहेगा, पर नहीं पापा वो एक काम है तो जाना ही पड़ेगा। तो कल पापा के आने में मैंने चिकन बनाया था ना, और अभी पापा तुरंत निकल गए, चाय पिए उसके बाद जा रहे हैं क्योंकि सुबह का 7:30 बजे 8 बजे ट्रेन होता है ना, तो पापा जा रहे हैं। तो गाड़ी से आए थे, वही गाड़ी से जा रहे। ऐसा थोड़ी होता है, मतलब प्रसादी देते रहते एक दो दिन घूमते मेरे गांव, अभी तो और पता मतलब जब भी आए तो एक दो दिन रुकते हैं, चल जाते हैं। इतना ठंडा लगता है, एक दिन भी नहीं रुके इस बार तो, मतलब एक रात बस रुके हैं बस। और हमको इतना ठंडा लगता है ना, अभी तो कितना मोट जैकेट पहने हैं एक हमको बस बहुत ठंडा लगता है। 6 बजे पापा उठ गए क्योंकि हम सब में 8 बजे ट्रेन आता है, और पापा को तो हम सब 7:30 बजे पहुँचा देते तब फिर भी ट्रेन पकड़ा जाता। 6 बजे उठे हैं, बोले चानी जा रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं, हम लोग सोए हुए थे तो फिर उठे और चाय पिलाई थी तुम पापा को, नाश्ता कुछ दी। उसका वीडियो नहीं किया है क्योंकि उस टाइम हम ऐसा हालत में थे ना, पापा भी जल्दी जल्दी कर रहे थे इसलिए कुछ नहीं कर पाए। अभी हम लोग पटना जाने का अभी सोच रहे हैं क्योंकि क्योंकि मेरे जो चाचा है ना बहुत मतलब फ़ोन करके बोलेंगे कि नहीं तुम आओ, मतलब मेरे चाचा भी काम करते हैं तो तुम पहले बता देना हमको, हम ले आएंगे। तो हम बोले आते ही थोड़ा सा काम है तो नहीं आ पा रहे हैं वो हमसे पूछते हैं कि तुम आओ, पूछे कब आओगी हम बोले आ जाएंगे 2-3 दिन में, ना तुम आओ जल्दी हम छुट्टी ले लेंगे काम में से। उधर पता उधर का इलाका पूरा एकदम पूरा जो है ना पूरा घर नहीं बना उधर, मतलब समझिए तो दूर में बहुत सारा मतलब घर बना हुआ है, पर दिखाएंगे वहाँ का जो नज़ारा है ना पूरा मतलब क्या खेत बोला जाता है मतलब हरा भरा है पूरा पूरा। उधर क्या होता है पता है, उधर फूलगोभी का खेत रहता है, बैंगन का, सब कुछ का उधर ना दिखाएंगे ना तो उधर देखिएगा बहुत ही अच्छा लगता है, पर थोड़ा मोड़ा कि उधर सन्नाटा रहता है ना इसीलिए नहीं अच्छा लगता। अब वहाँ जो तुम मेरा चाची का तो बेटा है ना बड़ा शरारती, आए था ना जी इनको भाई तो जीजा का है जीजा। हम लोग का शादी के टाइम में ना गाइस बता नहीं सकता हूँ, ऐसा ऐसा सीन हो रहा था, फैमिली वाले इधर से उधर इधर से उधर, तो ऐसा ऐसा बात चल रहा था कि इसको मतलब क्यों लाया नहीं लाया, फिर मतलब गांव वाले भी बहुत लोग जान गए कि कुंवारी लड़की आई है गांव, मतलब हम इसको एक्चुअली लाए थे, मैं इसको बोला भी नहीं था आओ चलो मेरे घर, एक्चुअली इसका मम्मी पापा आ रहे मतलब थे, बोले कि अकेले कैसे छोड़ सकते हैं हम सब जा रहे, और अकेले नहीं ये जाने का जिद करती थी बहुत, घर से बहुत बोलती थी हमको मतलब भी जाना है हमको भी जाना है। उसका एक अच्छा वीडियो आएगा, एक लव स्टोरी आएगा एकदम मस्त, तो उसमें ही बता देंगे उस वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताएंगे आप लोगों को, तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी बनाने का ये कर रहे हैं। और इसका आईडी भी खोल दिया है chandni.aryan, तो जाइए इनका चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए क्योंकि उधर अच्छे अच्छे वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं। और अभी ट्रिप बाकी हम लोग का, कहीं लेके नहीं गए हैं शादी के बाद तो वो भी जाएंगे, बहुत कुछ करना है क्योंकि अभी हॉल बन रहा है, उसके साथ पापा बोले कि मतलब यहाँ पे रुकना मतलब जरूरी है इसीलिए अभी कहीं नहीं जा सकते हैं। अभी हम लोग का घर बनने में हम लोग बहुत ज़्यादा ही बिजी है, फिर इधर पर्व वगैरह आ गया था फिर उसमें इन्वॉल्व हो गए थे बहुत, मतलब उसमें बिजी हो गए थे हम लोग, तो हम लोग वीडियोस नहीं बना पा रहे थे रेगुलर, कल वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी, और आज वीडियो पोस्ट होगी। हम मिस नहीं करना चाहते हैं एक डे भी कि वीडियो ना डालूँ, बट क्या करें हो गया बस।
छठ के बाद हम लोग कुछ कर ही नहीं रहते, और रील्स वीडियो भी बनेगा गाइस, तो जाइए चांदनी RJ.015 सब्सक्राइब नहीं फॉलो करिए। अच्छा, और मेरा आईडी है RJ.014, तो वहाँ पे भी कर सकते।